प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मिशन दक्षिण पर हैं, एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। भारत माता की, बेल्लारी कोप्पल सोदारा सोदरियारिगे नन्ना नमस्कार। मैं आंजनेयाद्रि तीर्थ, श्री विरूपाक्ष मंदिर और श्री विजय विठल देवस्थान को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, बेल्लारी की ये धरती विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि की गवाह है, इसलिए यहां के लोग विकसित भारत, विकसित कर्नाटका के संकल्प के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। इस चुनाव में मुझे देश के अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला है। अभूतपूर्व जन समर्थन, अभूतपूर्व आशीर्वाद और जहां भी गया हूं चारों तरफ आत्मविश्वास के साथ, पूरे संकल्प के साथ देश की जनता ने हमें आशीर्वाद देना तय कर दिया है और पूरा देश एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, आज जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कुछ देशों को, कुछ संस्थाओं को ये पसंद नहीं आता है। बहुत से लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, सरकार कमजोर हो, तो फिर खुद को जो फायदा उठाना है वो बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। ऐसी कमजोर सरकार में ये लोग अपने हिसाब से जो भी काम निकलवाना होता है बेधड़क बिना झिझक निकाल देते हैं और कांग्रेस को भी इससे करप्शन की खुली छूट रहती थी। इसलिए तुम भी कमाओ मैं भी कमाओ, तुम भी मालामाल मैं भी मालामाल, यही खेल उनका चलता रहता था। लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। उनकी चिंता ये है कि ऐसी सरकार है जो झुकती नहीं है, ये ऐसी सरकार है जिसको
कोई ताकत झुका नहीं सकता है। और आप में से जो लोग दिल्ली की लुटियन की दुनिया से परिचित हो, उनको पता होगा कि 2014 के पहले दिल्ली की राजनीति के गलियारों में दलालों का जोर रहता था, होटलों के कमरे सालों साल के लिए दलालों के नाम पर बुक रहते थे। आज दलाली से ही दिल्ली में सारे काम करवा लिए जाते थे। ये 2014 से जब से आपने मुझे बैठाया है, ये सारे गलियारों में भी स्वच्छता अभियान हो गया है। ये सारे दलाल दिल्ली छोड़कर राज्यों में दुकानें खोज रहे हैं। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को साफ साफ कहना चाहता हूं, आप लोग चाहे जितना जोर लगा लीजिए, भारत विकसित होके रहेगा। हमारा कर्नाटका विकसित होके रहेगा, ये कांग्रेस की तुकड़मबाजी नहीं चलेगी। साथियों, कल्याण कर्नाटका के विकास को बीजेपी अपनी जिम्मेदारी मानती है। केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज की योजनाओं को लागू किया है। बीदर, कलबुर्गी, बीजापुर, ये रोड का काम हो, बेलगावी हुंगुंद रायचूर एक्सप्रेस वे हो, मुनिराबाद गिणीगेरा रायचूर और गदवाल रायचूर रेलवे लाइन हो, या गदाग बड़ी रेलवे लाइन हो, आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। साथियों, कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने कल्याण कर्नाटका के लिए भविष्य की मजबूत नींव तैयार की है। हमारे बेलारी में जींस इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम संभावनाएं मौजूद हैं।